तो कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस की आज ऐसी हालत है जो पहले कभी नहीं हुई। हरियाणा में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। 1997 में भी हरियाणा में कांग्रेस की टिकट लेना चाहता था, अब कांग्रेस उससे भी ज्यादा डिप्रेशन में दिख रही है। तो ये सब कुछ कहा है कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने। उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया, कहा कि ऐसी हालत कांग्रेस की पहले कभी नहीं थी और हरियाणा में इस बार कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। अपने बयान में उन्होंने 1977 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की टिकट नहीं लेना चाहता था, अब कांग्रेस उससे भी ज्यादा डिप्रेशन में दिख रही है। तो ये बड़ा बयान दिया है कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने। जब युद्ध होता है तो सबसे आगे जो राजा होता है वो तलवार लेके चलता है, फिर सेना हिम्मत करती है। यहाँ तो मैं देखता हूँ कांग्रेस में ऐसे हालात हो गए, इससे ज्यादा कभी बुरी स्थिति कांग्रेस की नहीं। सर इस आधार मैं यहाँ से बताऊँ, जून में क्या कहेंगे, जब रिजल्ट 4 जून का आ जाएंगे फिर क्या कहेंगे, कहीं भी नहीं है, एक सीट भी नहीं है। पिछली बार जो मार्जिन चाह रहे उससे भी ज्यादा वोटों से कांग्रेस को फायदा नहीं मिलेगा कहीं भी नहीं। पार्टी में राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बन गए, बिहार में, छत्तीसगढ़ में बन गए, मध्य प्रदेश में बन गए, क्या फर्क पड़ता है, कांग्रेस इन सभी स्टेट्स में 100%। वही नाराजगी के बीच अनिल विज ने एक बार फिर शायरी के जरिए अपने दिल की बात कही और एक्स पर लिखा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। हालांकि इस पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये देशभक्ति की लाइनें हैं, इसका कोई इशारा नहीं है। वहीं सीएम सैनी के घर आकर चाय पीने के सवाल पर कहा कि वे कई बार ये बात कह चुके हैं, वे जब भी आए उनके लिए चाय तैयार है। नहीं, किसी तरफ इशारा नहीं है, ये तो देशभक्ति का, और जब स्वतंत्रता संग्राम हमारा चल रहा था तो ये तो उस वक्त का गीत है। कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूं तो रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। नहीं नहीं वो कई बार कह चुके और आए हैं, उनके लिए चाय तैयार है, जब मर्जी आए। वो जो इंडी है पार्टी, इन सारों का जमा करके देखो इनको कितना मिला है और बीजेपी का कितना मिला है, अब एक एक प्रदेश की पार्टी को कितना कितना मिला है और देश की सबसे बड़ी पार्टी को कितना मिला है, पहले देखना चाहिए। और अपना रुख अगली अहम खबर का करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर लिया है। हरियाणा में सतीश पुनिया को जो है वो चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ साथ सह प्रभारी की जिम्मेदारी सुरेंद्र नागर को दी गई है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारी की घोषणा कर दी है। 3 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी लगाए गए हैं, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए ये नियुक्तियां हुई है। तो ये बड़ी खबर, जहां सह प्रभारी और चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है। पूर्व अध्यक्ष राजस्थान के, उन्हें जो है हरियाणा में चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ सह प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। तो 3 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में सतीश पुनिया जो राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें जो है चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसी के साथ साथ सुरेंद्र नागर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अपने पैतृक गांव मिर्जापुर पहुंचे, जहां सीएम बनने के बाद ये उनका पहला दौरा था। ग्रामीणों ने नायब सैनी का जोरदार स्वागत किया, समर्थकों की भारी भीड़ भी उस वक्त यहां देखने को मिली। सीएम सैनी के साथ नव नियुक्त राज्य मंत्री सुभाष सुधा, असीम गोयल और बंतो कटारिया मौजूद रहे।